But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू तेजीमंडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की एक अलग ही तरीके की एंडिंग के बारे में। तो ये कंफर्म करते हुए केविन फैगी ने काफी कुछ अपडेट दी है, काफी कुछ बोला भी है। बट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2018 में अभी हाल ही में 5 मिनट पहले शज़ैम का ऑफिशियली कॉमिक वर्जन रिलीज करा है, जो कि काफी कमाल का लग रहा है। और देन उसके बाद एक्वामैन का एक कॉमिक बुक वर्जन रिलीज करा है। वो दोनों फर्स्ट लुक आपको मेरी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे, तो आप जाके देखिए और देन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वो आपको कैसे लगे। अब बात करते हैं एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग के बारे में। तो इस मूवी के बारे में केविन फैगी ने कुछ ऐसा बताया है, जैसा कि आप आर्टिकल देख रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा है केविन फैगी ने, 10 ईयर्स हमें मेहनत लगी इस मूवी को बनाने में, और देन हमारी प्लानिंग, हमारी पूरी टीम मेंबर, काफ़ी कुछ था इसमें। और देन हमें एक अच्छी स्टोरी के साथ साथ काफ़ी सारे सीन डिलीट भी करने पड़े, कट करने पड़े। और देन एवरीथिंग, हमें हर एक कैरेक्टर को टाइमिंग देनी थी, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर मूवी में सारे बड़े बड़े कैरेक्टर थे, कोई भी छोटा कैरेक्टर हो नहीं सकता, ना उसे कोई बोल सकता, क्योंकि क्रिस एवांस, क्रिस हेम्सवर्थ और हमारे रॉबर्ट डॉनी जूनियर, ये 3 बड़े एक्टर, उसके बाद ही नहीं है गार्डियन द गैलेक्सी की पूरी टीम, और देन उसके बाद थैनोस, जो कि मोस्ट ऑफ द मूवी का मोटिव था, जो कि स्टोरी की एंडिंग थी। बट उन्होंने अब ये बोला है कि एवेंजर 4 की एंडिंग कुछ इस तरीके से होने वाली कि इन सभी कैरेक्टरों को आपको याद करना पड़ेगा आगे अपकमिंग एमसीयू फिल्म तक। जी हाँ, 2028 तक जितनी भी मूवी आएंगी, आप हर एक कैरेक्टर को याद करोगे। अगर उसमें गार्डियन द गैलेक्सी मूवी रिलीज होती है, अगर आपको एवेंजर 5 देखने को मिलती है, या आपको अपकमिंग कोई भी मूवी याद आती है या देखनी पड़ती है, तो आपको एवेंजर 4 जरूर याद आएगी। हाँ, आप रियलाइज करोगे कि यार, एक मूवी रिलीज हुई थी 2019 में एवेंजर 4, वो यार कितनी कमाल की मूवी थी, उसमें ये कैरेक्टर मारे गए, उसकी स्टोरी कितनी दमदार थी। तो केविन फैगी ने सिंपल ये बोला है कि हमारी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी, और एवेंजर 4 में हर एक मोटिव और हर एक स्टोरी और हर एक सीन इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी आंखों में आंसू भी ला सकता है, आप इन्हीं चिल्ला के थिएटर की सीट भी तोड़ सकते हो, और आप कुछ भी कर सकते हो, जो कि एक सच्चे फैन के लिए ये मूवी बनाई जा रही है। तो गाइस, आपको क्या लगता है केविन फैगी की इन बातों में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।